बांडी सिंद्रा बांध से 33% पानी नदी में छोड़ने के लिए किसान संघर्ष समिति की ओर से गांव गांव का दौरा कर बैठकों का आयोजन किया गया। बांडी नदी में सिंद्रा बांध से पानी छोड़ने की मांग को लेकर संभावित आंदोलन की तैयारी। बांडी सिंद्रा संघर्ष समिति की तैयारियों को लेकर जन जागरण अभियान में ग्राम पंचायतों में किसानों के साथ बैठकें आयोजित की गई। गांव गांव में संपर्क कर आंदोलन चलाने के लिए किसानों को दिया न्योता। बांडी सिंद्रा बांध संघर्ष समिति भीनमाल के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी महोदय को भीनमाल में ज्ञापन सौंप कर बांध का 33% पानी नदी में छोड़ने की मांग की गई थी। अतः उसके बाद अगला स्तर जिला लेवल पर जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देकर अल्टीमेट चेतावनी देकर किसानों की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। आगे की रणनीति के अनुसार इस मुद्दे पर लगभग 4 दिन बाद ज्ञापन का कार्यक्रम जिला लेवल पर रखा जाएगा। इस दौरान नदी के तटवर्ती दर्जनों गांवों के किसानों को गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर किसानों को संगठित कर जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया है। इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करने के लिए खानपुर आपेश्वर मंदिर में बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही घासेड़ी और भादरडा ईश्वेश्वर महादेव में किसानों की बैठकों का आयोजन किया गया। अपनी ओपे में छुट्टी साधन बैठा हो अंतिम मोटी तो कोई होगा भयंकर गलती रहती नहीं। आज जो मोहित छेड़ी है हमें आपने जागे ही हो तो उसे ओपति कोई नहीं बनते ऑफिस में से निकलता था अपन माने तो सोशल मीडिया ने तो लेता ही नहीं था तो अपन जानकारी नहीं मिली तो बंद ही बनते ओपे तो ज्यादा हुआ ओपा स्थिति कही आवा वाली है बंद ही नहीं होते चलो बंद हो जाए तो उन्हें इशारा करो राजस्थान बंद गेट नहीं नदी खोलवा गेट नहीं पिछला 2 साल की आज जो है मुख्यमंत्री तक पहुँचा जो ज्ञापन दिया बताइए कि आज चीज है मेहनती हो स्तर तक नहीं पहुँचे और सरकारी वो खुली।